नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज के इस वीडियो में आइस नेटवर्क से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स की। केवाईसी को लेकर क्या कुछ अपडेट इनकी टीम के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, और उसके साथ ही बात करेंगे यहाँ पर यूज़र्स की भी, जो यहाँ पर लगातार ग्रो होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम आइस नेटवर्क की बात करें, अगर आपने आइस नेटवर्क के बारे में नहीं सुना है तो ये एक माइनिंग एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप वन टैप करके 24 आवर्स में यहाँ पर कॉइन्स को माइन कर सकते हैं, और एक अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ पर जो कॉइन्स है उन्हें ग्रैब कर सकते हैं। अर्निंग रेट की अगर हम बात करें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, जैसे जैसे आप यहाँ पर अपनी टीम को बढ़ाते हुए नजर आएंगे, इसे रेफरल करेंगे, आपके यहाँ पर जो कॉइन्स है उनकी संख्या भी अच्छी खासी स्पीड में ग्रो होते हुए नजर आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर करेंटली जो बैलेंस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर स्टेट्स की बात करें, एक चीज़ यहाँ पर काफ़ी दिनों से देखने को मिल रही है, टोटल यूज़र्स की संख्या यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर कम्युनिटी की, लगातार यूजर्स यहाँ पर ग्रोथ जरूर हो रहे हैं, लेकिन ये स्टेट्स यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर टॉप कंट्रीज़ की, तो वो भी यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये क्वेरी को यहाँ पर सॉल्व करना चाहिए आइस नेटवर्क की टीम ने। अगर आपके इसमें दिखाई दे रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और उसके साथ ही अगर हम KYC की बात करें, काफ़ी सारे यूज़र्स के मन में ये सवाल होगा कि अभी तक KYC की जो स्टेप वन है वो हमको नहीं मिली है, लेकिन KYC स्टेप टू के बारे में क्या कुछ यहाँ पर कहना देखने को मिल रहा है इनकी टीम के द्वारा। तो हम भी वही यूज़र है दोस्तों जिसे अभी KYC की स्टेप वन प्रोवाइड नहीं की गई है। यही यहाँ पर सवाल है आइस ब्लॉकचेन की टीम को कि यहाँ पर इनके द्वारा KYC सभी यूज़र्स के लिए कब अवेलेबल की जाएगी, क्योंकि अभी तक अगर हम देखें KYC की जो स्टेप वन है वो अभी अवेलेबल नहीं हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वन अवेलेबल नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये कहा हुआ है, टेकिंग कम्युनिटी फीडबैक टू हार्ट, वी आर मेकिंग KYC स्टेप टू मोर यूजर फ्रेंडली। जहां पर कम्युनिटी का जो फीडबैक देखने को मिला हुआ है, इस वजह से हम KYC की जो स्टेप टू आने वाली है उसको और ज़्यादा यूजर फ्रेंडली बनाने वाले हैं। इफ़ यू डोंट पास नो स्लैशिंग मोड, अगर आप उसे पास नहीं करते हैं तो यहाँ पर स्लैशिंग मोड अवेलेबल नहीं होगा। आपको एक हफ्ते में फिर से यहाँ पर रिट्राई का जो मौका है वो इनके द्वारा दिया जाएगा, और इस टाइम में आप यहाँ पर इनका जो FAQ है उसे यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो नॉलेज बेस और वाइट पेपर समरी है उसे यहाँ पर रीड कर सकते हैं। अभी तक अगर हम बात करें, इन्होंने जो अपडेट दी थी कुछ दिनों पहले, लगभग 29th October को, जहां पर इन्होंने कहा था कि 50% ऑफ यूज़र जो है उन्हें यहां पर KYC की स्टेप वन प्रोवाइड कर दी गई है, लेकिन अभी तक अगर हम देखें यहां पर 100% यूज़र्स नहीं है जिन्हें KYC की स्टेप वन मिली है। तो कम्युनिटी यहाँ पर इंतज़ार में है कि इनकी टीम के द्वारा सभी यूज़र्स को जो स्टेप वन है वो प्रोवाइड की जाए, उसके बाद स्टेप टू पर ये आगे बढ़े, जिससे यहाँ पर इनकी जो हाइप देखने को मिल रही है वो पॉजिटिविटी यहाँ पर अभी भी बनी रहे। अभी अगर हम बात करें, कुछ सवाल यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रहे हैं। 29th October के बाद से अगर हम देखें, यहाँ पर आज आप डेट देख सकते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पर 2nd week शुरू हो चुका है, लेकिन इन्होंने KYC स्टेप वन को लेकर कोई अपडेट नहीं दी है। तो बहुत जल्द हम उम्मीद करते हैं कि आइस नेटवर्क की जो टीम है वो स्टेप वन यहाँ पर सभी यूज़र्स के लिए प्रोवाइड करें। आप इनकी वेबसाइट को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सबसे बड़ी और ख़ास पॉइंट यहाँ पर यही है कि इन्होंने अपना जो रोड मैप है उसे क्लियर कर दिया है। 7th October 2024 को यहाँ पर ये सेकेंड फेज में आने वाले हैं। अभी इनका जो फर्स्ट फेज है वो यहाँ पर रनिंग में देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर हम बात करें, यहाँ पर फॉलोअर्स भी लगातार ग्रो हो रहे हैं, लगभग 5,68,000 फॉलोअर्स है जो अभी तक यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके साथ ही लगातार इनकी कम्युनिटी जो है वो ग्रो करते हुए नजर आ रही है। मिलियंस ऑफ यूजर्स है जिन्होंने यहाँ पर अभी इसे डाउनलोड भी कर लिया है, इसके साथ माइन भी कर रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर फायदा उठाना है, आपको लगातार माइन भी करना है, उसके साथ ही अपनी एक टीम क्रिएट करना है, उसे भी लगातार यहां पर माइनिंग करवाना है। अगर आप यहां पर किसी भी माइनिंग सेशन को मिस करेंगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको जो यहां पर अपॉर्चुनिटी ये प्रोवाइड कर रहे हैं उसको मिलने में थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा डिले हो सकता है। तो डिले नहीं हो इस वजह से आप इस नेटवर्क से जुड़े रहे और यहां पर इनकी जो माइनिंग एप्लीकेशन है उसका यूज करके कॉइन्स को माइन करते रहे दोस्तों। और कोई भी अपडेट आती है नेटवर्क से जुड़ी तो हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तो चैनल से जुड़ जाए, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू।